अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी मैं जा रही हूँ अपने मैके, तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच कर फिर आपसे बात होती है। आपको दिखाते हैं अपने मैके का घर और वहाँ जो टाइम हम गुजारेंगे उसके बारे में, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। जी तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं हम घर पहुंच चुके हैं और ये तीसरे नंबर वाले भाई का रूम है जहां ये लोग आराम से बेड पे बैठ के, सामने एलईडी है तो वहां ये लोग ड्रामे और न्यूज़ सुन रहे हैं। ड्रामे तो खैर क्या, न्यूज़ ही होती है मर्दों की ईद में शामिल। और ये सारे कज़न्स हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा एक ही घर है, सबके पोर्शंस अलग हैं, लेकिन जब एक जगह सारी बेटियां और सारे मेहमान इकट्ठे होते हैं तो सब एक ही जगह आ जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। और मर्दों की ईद तो खबरों से ही शुरू होती है और खबरों पे ही ख़त्म, तो ये लोग लेट के सुकून से खबरें देख रहे हैं और लेडीज़ जो हैं वो किचन में काम कर रही हैं। अब ये नेक्स्ट जो एक नया फेस नज़र आ रहा है, तो ये मेरी सबसे बड़े बहन के बहनोई हैं, बहन के शौहर, हम दो ही बहनें हैं और ये मेरे बहनोई हैं सबसे बड़े, और ये इनका बराबर में बेटा बैठा था। और हबी को तो आप जानते ही हैं, और हबी तारुफ करवा रहे थे उनके बेटे का कि ये इनके बेटे हैं और बहुत ज़हीन हैं माशाल्लाह से। और अब ये भाई भी आ चुके हैं क्योंकि ये इन्हीं का रूम है, तो ये तीनों यहीं न्यूज़ देख रहे थे और ये लोग यहीं बस अपनी बातों में लगे हुए थे। और मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो होनी चाहिए सबकी ताकि अच्छा लगे कि ईद कैसे गुजारी और हमने क्या क्या किया, तो यही ईद होती है सबकी। चलिए अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपने सबसे बड़े भाई से, ये जो वाइट शलवार कमीज में है, ये भाई हैं, दूसरे नंबर पे बहनोई हैं, फिर हबी हैं। और भाई ये थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे क्योंकि माशाल्लाह सबके कद छोटे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत लंबे हैं, तो ये थोड़ा नीचे हो रहे थे कि मैं थोड़ा नीचे हो जाऊँ ताकि सब आ जाएँ। अब ये मेरी बड़ी बहन के बेटे और ये भाई के बेटे हैं सबसे बड़े, जो आपको दिख रहा है कि दोनों खड़े हो गए हैं और ये दोनों में बस 6 महीने का ही फ़र्क है। और काफ़ी मस्ती की है इन लोगों ने और ये बड़े भाई अब रूम कूलर के आगे बैठ गए हैं क्योंकि काफ़ी गर्मी थी और गर्मी हो भी बहुत ज़्यादा गई है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और अब ये खाना लग चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी फैमिली एक साथ खाना खा रही है और बहुत मज़ा किया हमने, खाना बहुत मज़े का हैदराबादी पुलाव भाई ने बनाई थी जो बहुत मज़े की थी। और ये वो जो तीसरे नंबर के भाई अभी बैठे हुए थे बेड पे, उनकी वाइफ है, ये मेरी फूफो की बेटी भी है, मेरी कज़न भी है और भाभी भी हैं जो बहुत अच्छी हैं, और इनका बेटा माशाल्लाह, जिसकी वजह से अब हम अपने मैके जाते हैं। आप जानते ही होंगे उनकी तस्वीर मैंने शुरू में दी है। और ये बड़े भाई की दोनों बेटियाँ हैं जिनकी मेहंदी ना लगे तो ईद कंप्लीट ही नहीं होती, और अभी मैंने मेहंदी लगानी थी तो इन दोनों ने कहा पहले मुझे लगानी है, तो भाभी ने पहले इन्हें लगाना शुरू कर दी है। ये सबसे बड़ी बेटी हैं, पहले बेटा है फिर ये बेटी हैं बड़े भाई की, जिनके हाथ में मेहंदी लग रही है। और ये जो छोटी पटाखा खड़ी हुई हैं, ये भी अभी मेहंदी लगाने के लिए ही खड़ी हुई हैं कि मुझे भी मेहंदी लगवानी है, और अब इनका नंबर आ ही गया तो ये इनको मेहंदी लग रही है और लगा भी इन्हीं की, मम्मा बड़ी भाभी ही रही हैं। और इन दोनों के बाद मेरी भी मेहंदी लगेगी, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब मेरे मेहंदी लगेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैंने मेहंदी कैसे लगाई है और किससे लगवाई है। तो ये मेरे हाथ हैं और मेरे माशाल्लाह से दोनों हाथों पे और पैरों पे, भाभी ने रात 3:30 बजे तक जाग के मेहंदी लगाई और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। हमने तो इसी तरह से अपनी ईद गुजारी है। आज के दिन जो है भाई की बर्थडे भी थी 26 को, तो हमने वो भी सेलिब्रेट की है, आगे मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, इसका मुझे इंतज़ार रहता है। और आइए दिखाती हूँ भाई की बर्थडे। Yeah.
और ये बर्थडे के बाद जो है मेरे देवर देवरानी ससुराल से जो थे वो आए थे हमारे घर, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो इनकी भी मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि खुशियों में जितना सबको शामिल करो उतना अच्छा है। ये मेरे शौहर के भाई हैं और ये इनका बड़ा बेटा है, और इनकी वाइफ की अभी मैंने आगे पिक भी दी थी आपको, और आगे वो आएंगी भी। ये इनकी वाइफ हैं और ये प्यारी सी शहजादी इनकी बेटी है, और ये अभी वही हैं जो अभी आगे बैठे थे, और ये यहाँ अपनी मम्मा के पास आ गए। और एक और बेटा है वो भी बहुत प्यारा है, और वो इस वक्त तक सो गया था थक कर। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी फैमिली है, और ये मेरी देवरानी बहुत अच्छी हैं। अल्लाह मियाँ इनको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, क्योंकि अच्छे लोग ही एक दूसरे से मिलते हैं और मिलते भी रहना चाहिए। मेरे ससुराली माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छे हैं, परवरदिगार इनको और हिम्मत और ताकत दे कि यूं ही अपने बड़े भाई भाभी का मान रखें और हमेशा मिलने के लिए आएँ। और ये नन्नी परी बहुत खूबसूरत थी और बहुत खुश थी, माशाल्लाह परवरदिगार इसका भी नसीब अच्छा करे। और हर बेटी का अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, लाइक का बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।